तो सीआईआई के 125वें वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आपने सुना और इस दौरान उनका पूरा फोकस आत्मनिर्भर भारत पर रहा। ये बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में कही कि हमें मजबूत लोकल सप्लाई चेन बनानी है, छोटे उद्यमियों को ज्यादा अवसर मिले, इस पर भी फोकस रहेगा। कोल सेक्टर में कमर्शियल रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम सुधार किए जा रहे हैं, तमाम बातें छोटे उद्यमियों पर उनका फोकस रहा। स्वदेशी के लिए उद्यमी जो है वो प्रेरणा बने, एमएसएमई की नई परिभाषा तय की गई। एमएसएमई देश के लिए इंजन की तरह है, देश में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है और एक मजबूत सप्लाई चेन की जरूरत है इस वक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि चूंकि अनलॉक वन की अब शुरुआत हो चुकी है और ज्यादातर जो क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो खुल चुकी हैं, ऐसे में उनका फोकस इस बात पर भी रहा कि कोरोना से लड़ते हुए किस तरह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। और ये भी उन्होंने कहा कि ये इतने कॉन्फिडेंस से वो बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उन्हें देश की कैपेबिलिटी पर, क्राइसिस मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा है। बड़ी बात है, आपको बताएं, किसान अपनी शर्तों पर अब फसल बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये कहा, भारत हर रोज 3 लाख पीपीई किट बना रहा है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, क्या बड़ी बातें रही प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन की, एक बार दर्शकों को बताएं। सरकार देश में जो रिफॉर्म्स है उसको आगे बढ़ाएगी इस संकट के दौर में, और सर अगर उद्योग जगत एक कदम चलता है तो सरकार उनके साथ 4 कदम चलने को तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि आयात निर्भरता को खत्म करनी होगी, निजी क्षेत्रों के लिए स्पेस जैसे सेक्टर को खोला गया है, रक्षा क्षेत्र पहले ही खोला गया था, तो इन जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है उसमें भी किस तरीके से निजी सेक्टर बढ़ चढ़कर उसमें भूमिका निभाए, इस बात का आह्वान जो है प्रधानमंत्री ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन था वो हमारे देश के लोगों के जीवन को बचाने के लिए किया गया था, लेकिन अब जब अनलॉक वन हो रहा, 8 तारीख से कई चीजें सामान्य तौर पर काम करेगी, उसके बाद उद्योग जगत अपने पूरे ताकत के साथ जो है विकास को आगे बढ़ाए और काम करे, और सरकार उनके साथ कदम के साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार है और सरकार पूरा सहयोग करेगी, इस बात का आश्वासन जो है उद्योग जगत को प्रधानमंत्री ने दिया है। और मनीष, इस दौरान उन्होंने 5 मंत्रों का जिक्र भी किया कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 मंत्र उन्होंने बताए, वो कितने इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंटेंट, इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की बात उन्होंने कही। बिल्कुल बिल्कुल, निवेश को लेकर, इंक्लूजन को लेकर, इनोवेशन को लेकर उन्होंने 5 मंत्र जो दिए हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने ये मंत्र दिए हैं निजी क्षेत्र को, उद्योग जगत को, जिसको आगे बढ़ना चाहिए, उस दिशा में काम करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि एमएसएमई जो हमारे देश की बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने कई ऐलान किए हैं, जो सबसे ज्यादा रोजगार भी प्रोवाइड करती है। और उन्होंने सीआई जैसे संस्थाओं से कहा कि एमएसएमई को हर तरीके की मदद की जानी चाहिए और ये समय की दरकार भी है। साथ ही साथ कई ऐसे सेक्टर हैं, लेदर जैसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं उनमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंस को पूरी तरीके से खत्म करने का भी उन्होंने आह्वान किया है। साथ ही साथ उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरीके से कोयला जो है भारत आयात करता है, उन्होंने कहा कि जब हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी जो है सबसे बड़ा खदान जो है भारत में कोयला का है, तो हमें ये आयात करने की जरूरत क्यों है, तो कोयला का आयात बिल्कुल खत्म हो, उसके लिए सरकार ने अभी कई सारे फॉर्म्स का ऐलान भी किया है, प्राइवेट सेक्टर को माइनिंग के लिए आमंत्रित किया है। तो इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र इसमें आकर बढ़ चढ़ कर भागीदारी करे और भारत के विकास की पटरी जो है उतर गई है, विकास उसको दोबारा पटरी पर लाना है, इस बात का आह्वान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। जी मनीष, आप बने रहे हमारे साथ, दर्शकों को सुनवाते हैं वो बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबोधन के दौरान कही। कांग्रेस, भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है, मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है, मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है, मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है
इंडस्ट्री के लीडर्स पर तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है।